मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए हरिओम क्लासेस नामक चैनल में। मेरा नाम है मनोज यादव और फिर से मैं आपको केमिस्ट्री में आगे लेके चलूंगा। जैसा कि हम सबको पता है, हम पढ़ रहे थे विलयन नामक चैप्टर। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और विलयन के दो बहुत महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलयन में जिसकी सांद्रता कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। या जो किसी को अपने आप में घोल लेता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक। और जो किसी में जाकर के घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। जो किसी में जाकर के घुले उसे विलायक, और जो किसी में जाकर के घुले उसे विलेय। जो किसी को घोलेगा अपने आप में उसे विलायक, जो किसी में घुलेगा विलेय। या जिसकी सांद्रता कम होगी उसे हम विलेय कहेंगे, जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे। क्लियर है? हम पढ़ रहे थे विलयनों की सांद्रता। किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। समझ में आ रही बात? सांद्रता को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था, क्या? द्रव्यमान प्रेशर, उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रेशर, उसके बाद आयतन आयतन प्रेशर, उसके बाद पीपीएम, उसके बाद आज हम बात करने वाले मोल अंश की, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो वहां पर शायद मैंने द्रव्यमान द्रव्यमान पढ़ाया था, द्रव्यमान आयतन पढ़ाया था, आयतन आयतन पीपीएम, चार ए बी सी डी, डी तक पहुंच गए थे। ई बात करेंगे आज, द्रव्यमान प्रेशर। ई सांद्रता, विलयनों की सांद्रता में ई की बात करेंगे। और ई क्या था बच्चों? मोल अंश। मोल अंश या इसी को मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज। और इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इसे क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है? आइए लिखा देता हूं, फिर मैं समझा भी देता हूं। किसी विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात, योग के अनुपात को, योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। समझ में आ रही बात? किसी विलयन के एक अवयव की मोलों की संख्या और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। किसी विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में आई बात? मोल अंश या मोल प्रभाज को हम यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यक्ष से। मोल
अंश को स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता, देयर इज नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ लीजिएगा ध्यान से, इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम जरा फॉर्मूले की बात करेंगे, मोल अंश का फॉर्मूला क्या होगा। बात समझिएगा, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आप लोग एक काम करिए, इसे थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, जगह खाली होती है या यहां पर मैं कहिए तो बता देता हूं, आप लोग लिख ही लीजिए, पूरा जगह खाली रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हमें मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन अर्थात मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला डिराइव करना है। वही मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताता हूं, सब लोग समझिए ध्यान से। अगर हमें मान लीजिए विलायक का मोल प्रभाव निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा विलायक के मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के मोल बटे विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल। किस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, विलायक के मोल प्रभाव निकाल लेंगे। अब अगर हमें निकालना हो क्या विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश भी कह सकते हो, विलेय के मोल अंश, विलेय के मोल अंश बराबर विलेय के मोल अंश बटे, विलेय के मोल अंश बटे विलायक के मोल, अच्छा ये मोल अंश नहीं रहेगा केवल मोल रहेंगे यहां, विलेय के मोल बटे विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल। ध्यान से सुनिए बच्चों, एक फॉर्मूला ये आपका बन गया और दूसरा फॉर्मूला आपका ऊपर है ये। हमने क्या कहा था, विलयन के कितने अवयव होते हैं, दो, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। अब यहां से परिभाषा में फिर क्लियर करा दे रहा हूं, अगर हमें विलायक के मूल अंश निकालना है तो किसी विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या यानी मोल, किसी विलयन के एक अवयव के मोल और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। फिर से, किसी विलयन के एक अवयव के मोल और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में आ रही बात, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब इतना हो गया, अब हमारे पास एक समस्या खड़ी होगी, मोल, हाउ कैन यू डिफाइन मोल, मोल मीन्स डब्ल्यू बाई एम, कई प्रकार से मोल डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल यहां अगर लिखना चाहें तो मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार को मानते हैं डब्ल्यू, अणुभार को मानते हैं एम, और मोल को क्या मानते हैं एन। तो यहां हम सीधा क्या कह सकते हैं,
या करके लिख सकते हैं हम लोग यहां n इज इक्वल टू w बाई एन, ये हो सकता। n क्या है? मोल है, n फॉर मोल, w फॉर बार, m फॉर अणु बार। यहां लिख सकते हैं मोल भार अणु भार। ध्यान से समझिए सब लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ आ रही बात? इतनी बात हो गई। अच्छा, अगर हम जरा कुछ स्पेशल टाइप मान लें यहां पर, अगर हम माने मानते हैं, चलो माना माना, क्या माने? विलायक, विलायक किसको मान लें? ए को। विले किसको मान लें? बी को। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं बच्चों? ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम यहां कह दें यक्स ए, यक्स ए का मतलब क्या है? ए के मोल अंश। यक्स ए का मतलब क्या? ए के मोल अंश। लिखते चलिएगा, यक्स ए के मोल अंश कैसे निकालेंगे? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बोलिए हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ये हो जाएंगे। अब इनको आप लिखेंगे क्या? एन ए एन बी कैसे निकलेंगे? यहां लिख सकते हैं एन ए इज इक्वल टू डब्लू ए बाई एम ए भार बटे अणु भार। हाँ, ए का भार और ए का अणु भार, ये आ जाएगा। अगर आपको लिखना है एन बी एन बी, तो क्या करेंगे आप लोग? यहां लिखेंगे बच्चों डब्लू बी बाई एम बी, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। इतना आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहां एक्स ए क्या है? ए का मोल अंश है। एन ए क्या है? ए के मोल है। एन ए क्या है? ए के मोल है। एन बी क्या है? बी के मोल है। मोल कैसे निकालेंगे? ए के भार बटे अणु भार, ए का भार बटे ए का अणु भार। एन बी बराबर बी के मोल, बी का भार बटे बी का अणु भार, इस प्रकार निकाल लेंगे। इसको लिखिए पहले आप लोग, फिर मैं बात करता हूं। यहां लिख सकते हैं आप लोग जहां जहां एक्स ए बराबर ए के मोल अंश और एक्स बी अभी आगे आने वाला है एन ए, एन ए बराबर ए के मोल अंश, एन बी बी के मोल अंश और डब्लू ए ए का भार और एम ए ए का क्या बच्चों? अणु भार, अणु भार। नोट करिए इसको, फिर मैं आगे चलता हूं लेके। हाँ तो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, एक्स भी निकालना है, एक्स बी, एक्स बी का मतलब बी के मूल अंश कैसे निकलेंगे? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये निकल जाएंगे। एन बी कैसे निकलेंगे? ये एन है, समझ आ रही बात? एन बी आप कैसे निकालेंगे? तो वही डब्ल्यू बी बाई एम बी। एन ए निकालना हो आपको तो कैसे होंगे? डब्ल्यू ए बाई एम ए, निकल जाएंगे। यहां हम लिख देंगे क्या? जहां, एकदम याद कर लीजिएगा, एक्स बी, एक्स फॉर मोलस और एक्स बी का मतलब बी के मोल अंश। एन बी क्या है बच्चों? बी के मोल। एन ए क्या है?
ए के मोल। अब यहां पर डब्ल्यू बी क्या है? डब्ल्यू बी बी का भार। एम बी क्या है? बी का अणु भार। समझ में आ रहा है बात? डब्ल्यू ए एम ए पीछे हम लिख चुके हैं। डब्ल्यू ए माने क्या? ए का भार। एम ए माने क्या? ए का अणु भार। इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिए। अब यहां से भी हम परिभाषा निकाल सकते हैं, जैसे पिछले फॉर्मूले निकाले थे, किसी विलयन के एक अवयव के मोल और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। किसी विलयन के एक अवयव के मोलों के, समझना ध्यान से एकदम केयरफुली देख लेना, फिर से बोल रहा हूं, किसी विलयन के एक अवयव और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों के संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। किसी विलयन के एक अवयव के मोल और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया। अब बच्चों, विलयन के जितने भी अवयव होते हैं सभी का अगर मोल फ्रैक्शन जोड़ दिया जाए तो वो केवल यूनिट होगा, इकाई होगा। कहने का मतलब यक्स ए प्लस यक्स बी, माना है हमने यक्स ए माने ए का मोल अंश, यक्स बी माने बी का मोल अंश। यहां प्लस डॉट 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 और भी कुछ कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो सकता है? वन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी का भी मोल ऑफ फ्रैक्शन निकाल लीजिए और फिर वन से घटा दीजिए, वो आपको आ जाएगा। जैसे हमें यहां से एक्स ए का निकालना है तो क्या करेंगे? वन माइनस एक्स बी कर देंगे। अगर हमें यहां से एक्स बी का निकालना है तो वन माइनस एक्स ए कर देंगे। ये सब निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे? बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या बच्चों? मोल फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ सवाल लगाएंगे। आप लोग इसे लिख लीजिए जरा। हाँ तो बच्चों, आइए कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं, तब तो समझ में आएगा। आइए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आप जो भी डालते हो कर लीजिएगा। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। यदि एथिलीन ग्लाइकॉल द्रव्यमान की दृष्टि से, यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल 20%, यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। बच्चों क्वेश्चन को लिखिए, सब लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग और ट्राई करिए सॉल्व करने की, फिर हम लोग सॉल्व भी करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं बच्चों। एथिलीन ग्लाइकॉल कितने प्रतिशत है? 20%। एथिलीन ग्लाइकॉल कितने प्रतिशत? 20%। तो कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से देखिए जरा।
ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम यहां पर कुछ मीनिंग निकालना है, लिखना है पूरा सॉल्यूशन, प्रतिशत का माने सॉल्यूशन। तो यहां लिखेंगे कुल विलयन, कुल विलयन, प्रतिशत माने 100, मैंने बताया था 100, और यहां द्रव्यमान है तो क्या बोल देंगे 100 ग्राम कुल विलयन है। अब उसमें 20% द्रव्यमान, मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल कितना है 20%, तो मैंने कल बताया था अगर 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है इसका मतलब 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है, अगर 10% एथिलीन ग्लाइकॉल है इसका मतलब 10 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल शेष 90 ग्राम जल, अगर 6 ग्राम ग्लूकोज है, 6% ग्लूकोज है तो इसका मतलब है 6 ग्राम ग्लूकोज शेष 94 ग्राम पानी, अगर हमारे पास H2SO4 कितना है 8% H2SO4 है तो कहेंगे 8 ग्राम H2SO4 शेष 92 ग्राम पानी। तो यहां पर हमें क्या मिला है 20% एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका मतलब क्या है 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल और शेष 100 में से 20 चला गया कितना 80 ग्राम जल। तो बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होगा C2H6O2 is equal to 20 ग्राम, बोलिए सही है। अब हम बात करेंगे H2O जल, H2O जल कितना रहेगा आपका 80 ग्राम, 20% का मतलब इतनी चीजें, कुल विलयन 100 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल इतना 20 ग्राम, जल कितना 80 ग्राम, ठीक है। अब हम सवाल को फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, हमें एथिलीन ग्लाइकॉल का क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों यक्स, एक्स का मतलब क्या है मोल फ्रैक्शन, किसका एथिलीन ग्लाइकॉल का C2H6O2, यही तो है एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला यही है C2H6O2, मतलब क्या एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश। यहां पर अब लिखेंगे क्या, जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल ऊपर लिखेंगे, तो n C2H6O2 अपॉन n C2H6O2 प्लस n, अच्छा अब किसके n, n फॉर मोल, किसके H2O के, बुरी बात सुन में आ रही है, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल मोल ऊपर बटे में सभी विलयन के सभी अवयवों के मोल, बात सुन में आ रही है, किसी विलयन के, विलयन में दो ही लोग हैं H2O और एथिलीन ग्लाइकॉल, तो किसी विलयन के एक अवयव के मोल और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। यहां भी परिभाषा, चाहे जहां से परिभाषा निकाल लो, हर जगह परिभाषा, अगर आपने समझ लिया तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ में आना चाहिए बस, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, मोल चाहिए, मोल, तो यहां अगर हमें ये मिल जाए और ये मिल जाए तो काम आसान होगा, तो हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, एन एन फॉर मोल, किसके मोल C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल, बोली सही बात है, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, भार बटे अणु भार, तो होगा क्या डब्लू C2H6O2 अपॉन भार हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल का, एथिलीन ग्लाइकॉल का भार बटे एथिलीन ग्लाइकॉल का अणु भार, एम फॉर अणु भार, C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकॉल का भार एथिलीन ग्लाइकॉल का अणु भार। मेरे बच्चों भार एथिलीन ग्लाइकॉल का कितना है 20 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार चाहिए, एथिलीन ग्लाइकॉल का क्या चाहिए अणुभार, तो अणुभार हमें निकालना है, एक काम करते हैं ऊपर से कुछ चीजों को मिटा देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को मिटा दे, आप लोग लिख लिए हैं या ना लिखे हो लिख लीजिए, फिर हम मिटा दें, जगह खाली हो जाए थोड़ा सा। हाँ तो ध्यान दीजिए हमें क्या चाहिए, एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार, तो बच्चों
तो बच्चों लिखेंगे यम, यम फॉर अणुभार, लिख लीजिए मॉलिकुलर मास, यम यम सी टू एच सिक्स ओ टू अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में जितने एटम है सभी का एटॉमिक वेट ऐड कर दीजिए, आ जाएगा अणुभार। जैसे कार्बन कितना है, दो, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, और कार्बन कितना है दो, तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हाइड्रोजन कितना है 6, तो 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, और ऑक्सीजन कितना है 2, तो 16 × 2 कोई दिक्कत नहीं। 12 × 2 = 24 प्लस 1 × 6 = 6 प्लस 16 × 2 = 32। अब जोड़ लीजिए सभी को, 2 × 6 = 8, 6 × 2 = 8, 4 × 12 = 12 हासिल लगा 1, अब 2 और 3 = 5 और 1 हासिल 6 = 62। अणुभार कितना आ गया 62, 62 आ गया। बोलिए किसी कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना, अच्छा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको भाग देंगे 20 में 62 का, तो पता है कितना आएगा, करके देखिए आप लोग, करिए और उसके बाद बताइए। अगर हम इसमें भाग देते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, 0.322 मोल आएंगे, कितने, 0.322 मोल आ जाएंगे आपके। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें मिल गया N एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल, अब हमें चाहिए NH2O चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो हमें NH2O चाहिए, तो हम यहां लिखेंगे बच्चों NH2O मतलब H2O जल के मोल, और जल के मोल निकालने के लिए क्या होगा, W भार, H2O जल का भार और जल का अणुभार, MH2O माने क्या जल का अणुभार, WH2O माने क्या जल का भार। बच्चों जल का भार कितना है, जल का भार है 80 ग्राम, 80 ग्राम। जल का अणुभार तो यानी निकाल लीजिए MH2O बराबर, मैंने क्या बताया वहां परमाणु भार वो जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, हाइड्रोजन का एटम है 2, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, कोई संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा 16 × 2 और प्लस 16 = कोई दिक्कत, नो दिक्कत, इतना समझ में आया बिल्कुल। अच्छा, अब हम यहां क्या करेंगे, 80/18 बराबर सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो करके दिखाइए, 4 बार जाएगा भाग, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर आएंगे आपके 4.444 मोल, आप लोग भाग भाग दे दीजिए और ये आपके मोल आ जाएंगे। समझ आ रही बात, इतनी आप लोग इसको नोट करिए, जरा जगह खाली हो तो फिर हम आगे सवाल को सॉल्व करें, एकदम ध्यान पूर्वक आपको समझ में आ जाना चाहिए सभी बच्चों के, नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, जैसे कि हमने निकाला एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल इतने, मतलब एन सी टू एच सिक्स ओ टू के मोल कितने आ गए, 0.322, और एन एच टू ओ कितने आ गए, 4.444, बोलिए आ गए। अब हमें यहां से फॉर्मूला एक बार फिर लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको डिलीट कर दिया, फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं, C2H6O2 मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलल्स कैसे निकालेंगे, n बार मोल एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल बटे n C2H6O2 के मोल प्लस NH2O, बोलिए सही बात है। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल हमने कितने निकाले हुए हैं, 0.322 बटे एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल, फिर लिखेंगे 0.322 प्लस H2O के मोल कितने हैं, ये 4.444, ये हो गए।
एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल बटे एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्लस H2O के मोल आ गए आपके। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके मुझे जरा बताइए कितना आता है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ध्यान पूर्वक बताइए। सभी लोग बताएं, अगर सॉल्व करते हैं तो आपका लगभग आएगा 0.068, और कोई मात्रक होता नहीं है, ये आ जाएगा। बात समझ आ रही है, 0.068। अगर हम ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है, आंसर आ चुका है, और यही जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यही सेम टू सेम यूपी बोर्ड इस वर्ष आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में तो इतने कहा था अगर हमें H2O के मोल फ्रैक्शन भी निकालना तो बहुत इजी है, तो हम यहां पर रखेंगे XH2O, मतलब H2O के मोल अंश NH2O अपॉन NH2O प्लस NC2H6O2 हो जाएगा। NH2O कितना है, 4.444 अपॉन NH2O 4.444 प्लस एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल 0.322। इसको आप लोग बता सकते हैं कितना आंसर आएगा, करिए सॉल्व करिए और बताइए आंसर इसका। अगर इसका आंसर आप लोग देखते हैं सॉल्व करने के बाद तो 0.932 आएगा, 0.932 भाग करेंगे, जोड़ेंगे जोड़ के भाग देंगे, इतना आंसर आ जाएगा। ये आपका आ गया क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल और जल के मोल अंश, दोनों के मोल अंश आ गए, और एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश भी आ गए, जल के मोल अंश भी आ गए। यही सेम टू सेम क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया था इस बार। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को नोट कर सकते हैं, मेरी बात समझ में आ गई होगी एकदम ध्यानपूर्वक। तो यह था मोल फ्रैक्शन, एक बार मैं फिर समरी दोहरा दूं, मोल अंश किसे कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब समझ में आ जाएगा। किसी विलयन के एक अवयव के मोल और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। फिर सुनिए, किसी विलयन के एक अवयव के मोल और उस विलयन के समस्त अवयवों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एक्स से। मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता, मोल अंश पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, मोल अंश पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। विलयन के समस्त मोलों के अवयव, विलयन के समस्त अवयवों के मोल अंशों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो उनका योग एक यूनिट होता है, एक इकाई होता है। फिर सुनिए, विलयन के समस्त अवयवों के मोल अंश यदि जोड़ दिए जाएं तो उनका योग एक यूनिट होगा, एक इकाई होगा। बात समझ में आ रही है। अगर हमें फॉर्मूला बनाना है, मान लीजिए हम विलेय का मोल अंश निकालना चाहते हैं, तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे, विलेय के मोल अंश बराबर विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। अगर हमें विलायक के मोल अंश निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे, विलायक के मोल अंश बराबर विलायक के मोल बटे विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल निकल आएगा। आप पढ़िए समझिए, कोई दिक्कत हो हम हैं, हमसे आप पूछिए, आपको हम सब समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चनों को और लगवाता रहूंगा, आप कुछ क्वेश्चनों को लगाते भी रहिए, मैं आपको DP भी दे दूंगा, आंसर क्वेश्चन बुकलेट भी दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और लगाते रहिए सब लोग। कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप हमसे पूछिए। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, अपनी जिम्मेदारी को आप निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाता हूँ। मैं हूँ मनोज यादव, मैं फिर आपको अगले हरिओम नामक चैनल मिलूंगा, तब तक के लिए हरिओम।